भाई डाल देना, कोई भी भाई उस गाड़ी को लेना मत, ठीक है ना, कोई भी मत लेना भाई। कैसी 70,000 करवा रखे वो गाड़ी, 180 चलाई है, फिर 50 पे करवाया, फिर और चला के फिर 50 करवाई थी, वो फिर 70 चली हुई थी भाई। एंडेवर ये ब्लैक कलर की ना, ब्लैक कलर की 3.2 2017/8। पढ़ो वारंटी अलर्ट में देखो भाई, ये वारंटी अलर्ट, व्हीकल वर डिक्लेयर्ड एज टोटल लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उन्हें ये कह दिया गाड़ी मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा जी, हाँ इस गाड़ी का एंडेवर थी, एंडेवर थी भाई, एंडेवर तो मेरे पापा को बहुत पसंद है, मैं बता रहा हूँ, 3-5 भी है ये घर में। मीटर बैग का भाई कैसे पता चलता है बताओ आप? भाई मीटर बैग का जैसे मान लो मेरी गाड़ी 45,000 चल रही है, ठीक है, मेरी पहले की सर्विस रिकॉर्ड है भाई, इतने महीने पे सर्विस हुई थी। वर्ल्ड की पहली गाड़ी थी जिसमें 10 गियर आए थे एसयूवी में, वर्ल्ड की सबसे पहली है। अच्छा भाई एरर बैटरी का आ गया, फिर क्या हो गया, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, पावर स्टीयरिंग चलना बंद बीच में। अच्छा जी, बीच में चलना बंद भाई, इंटरनल प्रॉब्लम थी। एसी चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ठंडा है, गाड़ी खड़ी है बंद। मैंने 6-7-8 गाड़ी देख ली, 8 ब्लैक एंडेवरी, हाँ वाइट एक भी नहीं देखी थी मैंने, मेरे ब्लैक लिखी नहीं थी, मैंने पहली गाड़ी वाइट देखी थी, वो घर पे आ गई थी अगले दिन। ये मॉडल 21 मॉडल मैं जिस दिन लेके आया उनसे अगले दिन ही, मैं जितने के लेके आया उससे 3 लाख रुपए ऊपर देख के कोई लेके जा रहा था इस गाड़ी। ग्लोस्टर क्यों नहीं देखी आपने? भाई मेरे को चाइनीज माल पसंद नहीं है बिल्कुल यार, वो गाड़ी वो बस है वो भाई, कल परसों 35 लाख रुपए रखे थे इसमें। अच्छा जी, इसमें 35 लाख रुपए आ गए इसमें। ले भाई देख लो, आपको एक बात बता दूं भाई, गाड़ी देख रहे हो ना आप कोई, जैसे यहाँ पेंट हो रखा है उसके सारे पार्ट पे देखना, पेंट पे ना फिंगर ऐसे जाती है ऐसे, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी लग रही है ना, हाँ रुक रही है, वो रिपेंट पार्ट है। स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो भाई आज आप लोगों के लिए ले आए फोर्ड की एंडेवर नई वाली 2.0, और ये कौन सी ईयर के भाई से पूछेंगे, और ये टॉप वेरिएंट है टाइटेनियम 4x4। ये देख लो भाई, मतलब क्या नई लुक भाई ने, ये अभी सेकंड हैंड खरीदी है हमारे एक भाई ने, तो भाई इनको एकदम पर बढ़िया डील मिली है। तो भाई मैं तो क्योंकि अब नई एंडेवर तो आ नहीं रही, डिसकंटिन्यू हो गई यार, भाई ने एंडेवर ही क्यों चूज़ करी फॉर्चुनर का टाइम पे, और ये सब तो अभी सब कुछ पूछेंगे भाई से। मैं साइड लुक देख लो, टायर स्टिकर्स के साथ क्या लग रही है गाड़ी, एक नंबर की मतलब, और फिल्म के साथ थोड़ी बहुत फिल्म चढ़वा रखी है भाई ने गाड़ी पे, मतलब तो सूट कर रही है, और बिल्कुल पर्ल वाइट कलर है लेकिन लग मस्त रहा है, और भाई ने एल्विस भाई की बैजिंग करवा रखी है मस्त, पीछे वोटर सपोर्ट वाली सही है। ये देख लो भाई पीछे का लुक एंडेवर का, और ये टाइटेनियम की बैजिंग क्योंकि टॉप वेरियंट है, तो ये देख लो आप भाई मतलब मस्त। और यहाँ ये नए वाले अलॉय देख लिया आपने 2.0 है, क्योंकि ये 3.2 2019 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, फिर उसके बाद 2.2 आई थी और 2.0 आई थी। 2.2 में शायद 4x4 वेरिएंट नहीं आया था, और ये 4x4 है अपने टॉप वेरिएंट है पूरा। तो ये भाई से ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि भाई ने ये क्यों कंसिडर करी एंड फॉर्चुनर की तरफ क्यों नहीं गए। तो चलो, हाँ तो भाई आयुष भाई आ चुके हैं हमारे साथ गाड़ी के ओनर, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया एक नंबर। आप ये बताओ भाई, आपने ये सेकंड हैंड ली तो भाई कौन सी ईयर का मॉडल है? भाई 2021 मॉडल है, 2.0 4x4 है ना भाई? 4x4 भाई, आप तो बढ़िया डील मिल गई, मतलब एक डेढ़ साल ही चली होगी ज्यादा, कितने साल ही चली है गाड़ी? पर बताऊं क्या हो गया भाई, मैं ना कम से कम 6 महीने से जब आपसे ब्रेजा रिव्यू करवाया था, अच्छा कई दिन की भाई एंडेवर लेके आऊंगा, जब से ढूंढ रहा हूँ, मैंने 6-7-8 गाड़ी देख ली, 8 ब्लैक एंडेवरी, हाँ वाइट एक भी नहीं देखी थी मैंने, मेरे ब्लैक लिखी नहीं थी, मैंने पहली गाड़ी वाइट देखी थी, वो घर पे आ गई थी अगले दिन। और भाई आपके साथ एक वो भी हो गया था ना, मतलब ब्लैक लेके, और फिर गाड़ी ब्लैक ली थी, वही मैं बता रहा लिखी नहीं थी, 1 किलोमीटर बैक निकले,
फिर वो वापिस कर दी गाड़ी। तो भाई सेकंड हैंड मार्केट के लिए क्या कहना चाहोगे आप लोग? भाई इस गाड़ी के लिए कहना चाहूंगा ये बनी पड़ी है अफीम। अच्छा, ये मॉडल 21 मॉडल में जिस दिन लेके आया उससे अगले दिन ही मैं जितने के लिए कहना उससे 3 लाख रुपए ऊपर देख के लेके जा रहा था गाड़ी। और जो ब्लैक वाले के साथ हुआ, मतलब कैसे लोग पागल बना रहे हैं लोगों को भाई, बताऊं कैसे पागल? आपसदारी में हाँ। ना मैंने रिकॉर्ड चेक करवाया, सैटरडे संडे को उनकी साइट बंद रहती है फोर्ड वालों की रिकॉर्ड चेक करने की, ठीक है। तो उस दिन हमने गाड़ी ले ली, उन्हें दे दी जैसे तैसे, कोई नहीं भाई बढ़िया गाड़ी है जो कुछ भी है, पर वो भाई गाड़ी सेकंड ओनर भी थी। अच्छा, 1,80,000 किलोमीटर चल रही थी, उसका नंबर बता दूंगा HR लास्ट में भाई डाल देना, कोई भी भाई उस गाड़ी को लेना मत, ठीक है ना, कोई भी मत लेना भाई। कैसी 70,000 करवा रखे वो गाड़ी, 1,80,000 चलाई है, फिर 50 पे करवाए, फिर और चला के फिर 50 करवाई थी, वो फिर 70 चली हुई थी भाई। एंडेवर ये ब्लैक कलर की है ना, ब्लैक कलर की 3.2 2017/18 मॉडल सेकंड ओनर है। लो भाई इतनी चोर बाजारी, 0032 नंबर है भाई उसकी, HR 26 में। मैं आपको बता दूंगा कौन सी सीरीज के है। ले भाई ने पूरी रियलिटी बता दी एंडेवर की, भाई सेकंड हैंड मार्केट की रियलिटी जो आजकल चल रहा है, मीटर बैक की सिचुएशन है भाई, भाई ये भाई ने बेस्ट डील मिल गया है भाई, नई बराबर गाड़ी मिल गया ना ये। नहीं भाई जो हमारे पास पहले पुरानी वाली थी ना, मान लो वही वापस आ गई हमारे पास, अभी इसके नंबर आने बस ये चेंज हो जाएंगे, ये नंबर चेंज हो रहे हैं, नंबर इस गाड़ी के अभी फिलहाल ये। तो भाई आप मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने 8 एंडेवर देख ली, 9वीं है ये, आप फॉर्च्यूनर की तरफ क्यों नहीं गए? भाई देखो मेरे पास है ना 2016 में फॉर्च्यूनर आई थी, 2017 में हमने ले ली। अच्छा, 2016 की एंडिंग में ली थी और हमारी जनवरी में आई थी, दिसंबर जनवरी में आई थी हमारी गाड़ी। भाई हमने वो चलाई 57,000, गाड़ी का इंजन बहुत आवाज करता है, सस्पेंशन उससे घटिया किसी गाड़ी के नहीं है, ठीक है। फॉर्च्यूनर की बुराई कर रहे हो भाई, म्यूजिक सिस्टम बताऊं उसका, हवन की आवाज आती थी उसमें, रद्दड़ है इंजन की आवाज फिर भी अंदर सुनाई देती थी। हाँ ये एक गियर, वो क्या गियर है, खड़खड़खड़खड़ क्या है भाई, इतनी गाड़ी है मतलब प्रीमियम फील नहीं था आपके हिसाब से? नहीं था भाई, हैंडल इतना टाइट है, हाथ दूर जाते हैं हैंडल करते, इसका तो मक्खन हैंडल है भाई। और फिर आज के टाइम में भाई जो हमने उस टाइम 36-40 लाख रुपए की जो हमारी गाड़ी पड़ी थी 4x4 स्टॉक, हाँ भाई, वही आज के टाइम 45 लाख रुपए की है सेम, बस ये लाइट चेंज है और इंटीरियर थोड़ा हल्का मुड़का था, मीटर चेंज है और भाई कुछ भी नहीं है, स्पीकर भी वही सेम आ रहे हैं। हाँ ये बात तो है भाई, मतलब क्यों 36 लाख के बाद 50 लाख रुपए दें भाई? भाई मोनोपोली हुई पड़ी है, चली गई मार्केट से, वो एक उसने नाम कमा रखा है अपना, टक्कर दे पाती उसको ना कोई सी चीज भाई, ठीक है। एप्पल कार प्ले उसमें पहले नहीं आता था, 2020 मॉडल तक नहीं आता था उसमें, हाँ इसमें जब शिफ्ट हुई थी 21 में आई है, जब फेसलिफ्ट आया जब उनका नया, 2016 से ही वो आ रहा है, 16 से नहीं भाई ये आ रहा है मेरे ख्याल में, 18 से आ रहा है एप्पल कार प्ले, 16 से आ रहा है भाई। अच्छा हाँ 16 से आ रहा है, 16 में आई थी ये, उससे पहले आई थी ये वाली एंडेवर, ये पहले आई थी फिर बाद में फॉर्च्यूनर आई थी भाई, मतलब कुछ 3-4 महीने का गैप था इनमें। ये मतलब पहली वाली जनरेशन में तो बिल्कुल फीचर नहीं थे इन इस वाली में, हाँ भाई इसमें सेम थी बस वो चाबी वाला था, हाँ और वो वाली सीट अपनी ना, इससे पहला जो फेस था वो लंबी वाली पीछे भाई वो भी थी हमारे पास है ना, जो सबसे फर्स्ट जनरेशन भी एंडेवर थी ना, हाँ जो सबसे लंबी थी, हाँ जो वाली सबसे लंबी वो भी थी, उसके बाद एक व्हाइट और लाए थे 2012 मॉडल, उसके बाद एक 14 मॉडल लाए थे, फिर वो सेल कर दी थी, फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर, उसके बाद फिर ये लाए थे अभी भाई। एंडेवर तो मेरे पापा को बहुत पसंद है, मैं बता रहा हूँ 3-5 भी है ये घर में, 5वीं लो भाई, तभी तो 9 देख के लेके आए हैं भाई, 9 एंड 8 एंडेवर भाई ने ठुकराई है और 9 भी लेके आए हैं घर में भाई। अब मैं बताऊं ना अपना, अगर ये कंपनी यहां से जाती नहीं ना तो नहीं ले आते, मैं लेता ही नहीं इसको, मैं सही बता रहा हूं। फॉर्च्यूनर पे ध्यान रहता, चलती रहती उस पे रहता इसको, क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं मानता था कुछ भी भाई, ये है कुछ कुछ है, मैं आपको बताऊं मैंने इसकी कितनी बेइज्जती करी हुई है ना, पर जिस दिन मैंने गाड़ी चलाई ना मेरे को हाँ भाई ये गाड़ी है कुछ, ये गाड़ी तो है भाई, सस्पेंशन देख लो, स्पीकर देख लो, मतलब फील है बहुत बढ़िया भाई। इसके एक तो हॉर्न, फॉर्च्यूनर कैसे हॉर्न आते, स्कूटी के हॉर्न आते उसमें, इसमें रूट्स लगवा दो ना, इसमें रूट्स की मतलब फील नहीं है। हाँ इसके जो कंपनी के हॉर्न आ रहे भाई वो एक नंबर है, जो इसका हॉर्न आता है ना हाँ। वो ही और अंदर तो आवाज भी नहीं आती हॉर्न की, बिल्कुल भी नहीं आती भाई, चाहे बाहर कितना ही तेज बज रहा है इसके अंदर भाई, बहुत बढ़िया NBH लेवल तो बहुत अच्छा है इसके अंदर से, अभी अंदर से हम देखेंगे। इस मॉडल में ना एक चीज है, मैं 3.2 की तरफ जा रहा था, ज्यादा मेरे को मिल भी रही थी पर भाई मैंने बताऊं क्यों मिली, एक फीचर है इसका फोन से स्टार्ट होने वाला, अच्छा इसमें वो चीज नहीं थी। दूसरा मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद है ये, चलो भगाड़ी मेरे को वैसे भगाड़ी में ऑफ रोडिंग बहुत बढ़िया करती है ये, 3.2 करती है, पावर इतनी कम नहीं है इसकी, हाँ 10 गियर के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी, 10 गियर है ना भाई इसमें, वर्ल्ड की पहली गाड़ी थी इसमें 10 गियर आए थे SUV में, वर्ल्ड की सबसे पहली है। अब दूसरी आई है LCA में, बस और नहीं है भाई किसी में,
भाई ये बात भाई ने बता दी, ये भी सुन लो, नोट कर लो। ऑफ रोडिंग पे है, कई बंदे सोचेंगे यार ऑफ रोडिंग फसल 10 गियर तक कैसे जाएगी, मतलब कुछ भी, इसमें एक वो आता है ऑप्शन, आप गियर अपने हिसाब, आपको दूसरे गियर तक चलानी है ना तो गाड़ी वहां तक ही चलेगी। हां मैन्युअली एडजस्ट कर लो, मैन्युअली एडजस्ट कर दो, गियर डाउन हो जाएंगे अपने आप। ये बात तो है। तो भाई अभी तक आपने इसमें ले लेके क्या करा दिया लेने के बाद? जिस दिन आई थी उस दिन इसमें हुकर लगवाया था। अच्छा, वो भी बजा के था। ये फ्लैग रोड लगवाई थी एक अपना भाई, कोई पार्टी पूटी का क्या वो करना अपने इंडिया का है भाई। वैसे इस पे भाई वो है ना चलान है ना, इस पे भाई इस पे 10-15 अगस्त वाले दिन खोलते हैं। अच्छा बाकी इसको कवर रहता है भाई, गंदा भी हो जाता है ना, क्योंकि इंडिया का झंडा भाई आप पब्लिकली ऐसे नहीं खोल के चला सकते, सिर्फ वो लगा सकते अपने पार्टी वार्टी के लगा लो, पार्टी वार्टी के लगा, इंडिया के पे थोड़ा सा चलान है। तो अभी भाई मैंने वॉक अराउंड दे दिया, भाई ने और कुछ नहीं कराया, ये टायर स्टिकरिंग वगैरह कराई है। ये भी भाई मेरे को पहले हुई हुई मिली थी। अच्छा 45-50 R18 इंच चलो ये बता दिया भाई ने, और साइड में कुछ नहीं है, थोड़ी सी भाई ने फिल्म चढ़वा रखी है जो कि भाई SUV में सूट करती है। तो ठीक है, 50% है और ऊपर से कर्टन है, पूरी जेड नहीं है ये, पूरी जेड कोई रिकमेंड भी नहीं करता भाई। सारे काम करवा के भाई दोबारा रिव्यू देंगे। आज तो मैंने सेकंड हैंड मार्केट को मेन रखते हुए भाई से पूछा है, क्योंकि भाई के साथ स्कैम हो चुके थे इसलिए, और परफेक्ट गाड़ी मिली है। तो अभी चलते हैं और गाड़ी के अंदर और अंदर के फीचर देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। तो भाई ये देख लो, को ड्राइवर साइड का डोर आपको मिल जाते हैं भाई, लॉक अनलॉक के चारों डोर्स में फीचर, और चारों टॉप डाउन आपको वो मिल जाते हैं पावर विंडोज। एंड भाई ये देख लो, प्रीमियम फील तो है अंदर, जैसा भाई ने बताया बिल्कुल साइलेंट साइलेंट है, कोई इंजन की आवाज़ नहीं, 2 लीटर का इंजन है भाई। और ये आपकी छोटी भाई, ये तो आपने तंग करती होगी भाई, आजकल सारी गाड़ियां बड़ी बड़ी आ रही है भाई। ये तो है, पर अब गाड़ी चाहिए कुछ ना कुछ चीज तो कॉम्प्रोमाइज होती है, कोई चीज बेस्ट तो होती नहीं है ना, ये तो है वाली बात है, पर ठीक है, अच्छी है क्वालिटी, लैग ही नहीं है ये। हाँ लैग तो नहीं मार रहा, मैं बताऊं ना भाई, मैं फोन आता था ना उसमें काट दिया, पांच उसमें कटे लग रहा था, ये तो है, ये बजती रहा होती भाई, नई में भी और पुरानी में भी ये सीन तो था। फॉर्च्यूनर में जब कॉल आता, जब एक ट्यून आती थी उसकी, इसमें आप ट्यून भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको फोन की बजानी है यहाँ पे तो फोन की चलेगी, और दूसरी चेंज करनी है तो आप दूसरी कर लो। ऑफ रोडिंग करी भाई आपने इससे? भाई इससे तो अभी नहीं करी, मन नहीं करता भाई, गाड़ी इतनी स्क्रैच नहीं है, नीचे अंडर बॉडी भी नहीं है, एक स्क्रैच नहीं है, नई गाड़ी है ये देख लो भाई, पूरा सॉफ्ट टच, पूरी बढ़िया, हार्ड प्लास्टिक नहीं है भाई, पूरा सॉफ्ट है, यहाँ पीछे थोड़ी सी हार्ड है, बाकी पूरा आगे तक सॉफ्ट टच दे रखा है, ये प्लास्टिक है, बट इतनी प्रीमियम फील ही बहुत होती है यार भाई। इसमें सबसे अच्छा क्या कर रखा है, बेज और ब्लैक का ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बेज और ब्लैक का तो बढ़िया क्या कर रखा है, यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा ब्लैक, और यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा अपना ये, बेज है ये, और ये बढ़िया प्रीमियम लगता है भाई। इसमें जो लाइट है ना, इसमें वैसे एम्बिएंट आती है, मैं आपको रात के क्लिप भेज दूंगा, नीचे इसमें जल्दी दो लाइट हल्की हल्की लाइट आती है इसमें पूरी में, ये वो बहुत प्रीमियम है उसकी भाई। इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह ये सब सपोर्ट कर, ये एमएल लाइट के लो भाई, इसमें 7 कलर मिल जाते हैं आपको, ये ठीक है रैप्स वगैरह ये देख लो भाई, ये अपने जो वो चलता है ना, इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो मान लो आपको सिंक अपडेट करना है, और सबसे बड़ी बात भाई फोन से स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर भी हो आप कहीं भी, बस आपके फोन में नेटवर्क होने चाहिए, फोन में नेटवर्क होना चाहिए भाई। देखो मैं अभी गाड़ी बंद करके आपको यहीं कहीं फोन से स्टार्ट करके देखा लिया, एक बार यहाँ से इसको बताना पड़ता है कि हमारी गाड़ी लॉक है, ये ऐप है भाई, ये वैसे थोड़ा हो गई लॉक अपनी गाड़ी, अब यहाँ पे आएगा 1 मिनट, ये थोड़ा सा ना 2-3 सेकंड लेट चलता है ये, अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मेरी गाड़ी कूल होगी, पावर स्टीयरिंग भी नहीं चल रहा अभी इसका, नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है सिर्फ, एक्टिवेट कैसे होगी, ब्रेक प्रेस करा आपने गाड़ी के अंदर आए दबा दिया, अब अपनी गाड़ी होगी, अच्छा बंद नहीं हुई है, एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट हो गई अब अपनी गाड़ी भाई, ये तो बढ़िया फीचर है, रिक्वायरमेंट है लॉक अनलॉक और स्टार्ट स्टॉप का है, लोकेशन का ये अपनी दिखा देगी कहाँ गाड़ी खड़ी है, रिफ्रेश करोगे ना आप जब भी लोकेशन दिखाएगी, खोलोगे तो आपसे दिखा देगी गूगल मैप के सारे कि आपको यहाँ चले जाओ, सर्विस की बता देती है ये, और जो भी एरर उरर कुछ भी आता है ना गाड़ी में वो सारी सारी इसमें आ जाती है भाई, अलर्ट भी देती है भाई, अलर्ट देती है भाई, सिर्फ ये
जैसे AW का TPMS का, अगर मैं रियर वाला लॉक कर दूंगा ना AC, तो ये लॉक ही हो जाएगा। एक यहाँ है अपना क्लाइमेट वाला, एक यहाँ है और एक पीछे है, थ्री जोन वे है इसमें, थ्री जोन का क्लाइमेट कंट्रोल है भाई, जोन है भाई। पीछे की सीट जैसे भाई ने बताई कि फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन में थोड़ी सी, फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन में इसकी ये सेकंड रो भी अच्छा, थर्ड रो भी थोड़ी सी थोड़ी हल्की है, बताऊं बस कहां कहां से। एक तो ये सेंटर इसका, ये बिल्कुल नीचे फॉर्च्यूनर का थोड़ा सा ऊपर है, और अच्छा। ये बंप कम है उसमें, ये वाला बंप है इसमें भाई, यहां पर बंप देख लो इसमें। और यहां पर भाई एक तो ये सीट बेल्ट है ना, बीच में बैठ नहीं देती, यहां आपके मिल जाते हैं पूरे लाइट वाइट के ये। और एक और अच्छी चीज है भाई, एक ही उससे सारी गाड़ी की लाइट, अच्छा इससे ही है ये भाई, ये सारी लाइट के लिए और ये पर्टिकुलर एक लाइट के लिए, और ये आपका सन ब्लाइंड इसके लिए, सन रूफ के इसके ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड के लिए कौन सा, यही है भाई इससे बंद होगा, हाँ इससे बंद होगी, वो खुलने का था ले भाई, ये बंद होगी। सनरूफ भी अच्छी खासी पैनोरामिक बड़ी भाई, यही इसी ने दी थी, और फॉर्च्यूनर में आई भी नहीं थी, क्रेटा होगी सब होगी। अब इसकी छोटी लगने लगी और गाड़ी के कंपैरिजन में, हाँ। पर भाई ये जो इसकी ग्लास की फिल्म है ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ क्रेटा की भी देख लेना, ये जो ब्लाइंड है ना इसको, उसमें से पार दिख जाएगा। ग्रैंड विटारा देख रखे आप, हाँ भाई उसको बिल्कुल आर पार दिखता है, इसका तो बहुत हार्ड है, और ये ग्लास भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको हटा के भी धूप में चलाओ ना, ऐसे नहीं लगता भाई धूप पड़ रही है ऊपर से, अच्छी खासी बहुत अच्छी विंडो है इसकी, यूवी रेस से बचा रही है भाई ना। और ये भाई सन, इसका सनग्लासेस के लिए कितना मतलब बढ़िया फिनिशिंग दे रखी है, पता भी नहीं चल रहा भाई है। एवरेज तो दिखा दो भाई, एवरेज भाई अभी दिखा देते हैं, आप बताओ एवरेज क्या दे रही है भाई, दिखाने की बात अलग है भाई। मैं तुम सही बताना, मैं देखता नहीं हूँ, मैं अपना वो स्पीडोमीटर वाला चला ही रखता हूँ, मैंने देखता। एवरेज आ रही है 4.1 की, और कुछ ये खड़ी है इसलिए भी गिर गई है भाई, अब यहाँ आया जब 4.4। बताऊँ कल मैंने इसकी टंकी फुल करवाई थी, बताऊँ कितने की दे रही थी उस टाइम में, 5.6 की। अच्छा जी 5.6 की थी ना, हाँ 5.6 की थी भाई इसकी एवरेज। थी पाड़ आया तो देखो, एवरेज तो देखोगे नहीं, एवरेज तो भाई मैं सही बताऊँ क्या सेट रखता हूँ यहाँ पे, ये रखता हूँ RPM है, RPM तेल वाला और RPM खत्म हुआ, भरवा लिया ये, ठीक है RPM ठीक है भाई। ये आपको स्टोरेज मिल जाती है भाई, कूल्ड है ये? नहीं भाई इसमें कूल्ड नहीं है, ये आर्मरेस्ट है, ये कूल्ड भाई। इसमें एक चीज नहीं, एक चीज और देखो, आप पेन रखने की जगह दे रखी है स्पेशल, अच्छी पेन के लिए आया भाई, ये लगा भी रखा है देखो। और भाई ये बढ़िया बड़ा बॉक्स है, ये पूरा बड़ा बॉक्स है पूरा, ये देख लो भाई, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में आता है भाई, ये हाथ रखने के तो आता होगा सामान वामान, तो सामान में बताऊं ना भाई, कल परसों 35 लाख रुपए रखे थे इसमें। अच्छा जी, इसमें 35 लाख रुपए आ गए इसमें, ले भाई देख लो। पन्नी रख के एक बार तो ऐसे करा हाथ से, और पूरे बंद करके ले भाई 35 लाख रुपए रख दिए इसमें, ले हैवी सिस्टम भाई का। भाई ने ब्याज भी रुपए दिए थे भाई, कपिल राव साहब बैठे हैं। तो चलो भाई से सारा वो ले लिया, आप एक बार थोड़ी सी ड्राइव लेते हैं गाड़ी की छोटी सी, और चेक कर रहे हैं पहले भाई, गाना सुन लेते हैं एक बार, स्टीरिंग चलो सिस्टम चेक करो फिर ड्राइव देते हैं। तो ये देख लो भाई गाइस, इसमें आपके 8 स्पीकर हैं, 2 आपके ट्विटर हो गए आगे, और 4 विंडोज में, और एक आगे सब वूफर और एक पीछे, मतलब सब इसमें ना फॉर्च्यूनर की तरह ना कमी नहीं लगती स्पीकर की भाई, पीछे तक स्पीकर तो एक नंबर DSP है ना, क्योंकि भाई ने सारे फीचर देख दिए गाड़ी के। अब आपको देखो एक फर्क दिखाऊं गाने चलते चलते में, मैंने अभी कम कर रखी है क्योंकि मैं इतने भी सुना, तो DSP है जैसे, हाँ भाई अभी देखना गाना चलाता हूँ पहले, दो भाई भाई एक बार दोबारा गाना चलाएंगे दोबारा, मतलब अब आगे सराउंड बना रही है, हाँ। जो मैंने पीछे कर रखी थी ना पूरी गाड़ी में ऐसे सराउंड बन रहा था, हाँ, अभी आगे आगे कर दिया, लो एक बार भाई दोबारा चलाओ। 1.5 करोड़ का शहर मोहाली कोठी पाली गेड़ा सेक्टर यार ये है भाई।
तो भाई एक चीज बताओ, मतलब दो आदमी को कहीं जाना हो तो ये सही है, मतलब आगे आगे कर दो, ये फीचर सही है भाई, बढ़िया है। पर भाई बताऊंगे जैसे आप, जैसे ये तो मेरी सीट यहाँ पर है ना, आप भी तो नहीं करोगे ना, आप बेशक बैठ जाओ फिर गाड़ी चला लो, ये ट्विटर है ना आपको पूरी सराउंड फील देगा, बिल्कुल कान के पास है ये। अच्छा यहाँ पे देखो आपके पास वो पीछे डोर का ट्विटर है, आप जैसे अपने कम्फर्टेबली सेट करोगे इस सीट को, ऐसे है मेरी तो, मैं जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से भी सुन रहे हो और आगे के तो सुन ही रहे हैं मेरे को, ये है बढ़िया चीज भाई, इसमें ये भाई ये लो बढ़िया लगता है भाई, ये लो स्पीकर सुन ले, इतने फीचर है भाई गाड़ी में, फीचर तो बहुत दे रखे हैं इसने, देख लो ना आप, क्लोक का ब्लूटूथ और यहाँ आपके एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो, अपडेट भी वाईफाई कनेक्ट कर लो, अपडेट कर लो, अच्छा जी खुद ही कनेक्ट करके, खुद ही कनेक्ट कर लो, ये तो ना वाईफाई का ऑप्शन अपने हॉटस्पॉट से कर लो या फिर किसी से भी वाईफाई, ये ठीक है भाई। तो भाई इसका प्राइस रिवील करोगे या नहीं करोगे बता दो, प्राइस नहीं करेंगे प्राइस रिवील नहीं करेंगे भाई, ढूंढने दो, ये अफीम बनी पड़ी है, कहीं नहीं मिल सकती इतनी कम चली, और अभी आपको खोल के दिखाओ ना 36-37-35 lakh से कम मिल जाए तो ये, अच्छा जी कम चली हुई भाई ये, चलाओ ये बताओ आपने किलोमीटर नहीं बताया, कितने किलोमीटर ली थी आपने, कितने 41 पर ली थी, अभी भाई ने 6-7 hours चलाई है भाई, 45-583 चल चुकी है भाई, लो जो 4-1 चलाई है, 5-4-5 चलाई है बस, तो ये देख लो भाई ने कम चली हुई बेस्ट डील में ले ली, मतलब नेक्स्ट डे 3 lakh ऊपर लग गए थे भाई, भाई मैं तो हाँ 3 lakh rupees ऊपर लग गए थे, पापा कह रहे थे भाई 3 lakh rupees ऊपर लग रहे, दे दो इसको, ना ये नहीं देने भाई, इतनी मेहनत करी ढूंढने में, अब भी दे दे तो फिर बिजनेस के लिए थोड़ी लिया हमने, पर्सनल यूज के लिए ना भाई, तो ये लो भाई ने दे दिया बढ़िया सा एक रिव्यू, अब ड्राइव लेते हैं चलो गाड़ी की नेक्स्ट क्लिप में। ए, लो भाई अब आ चुके हम ड्राइवर सीट पे, तो ये आपका स्टेयरिंग व्हील और ये कंट्रोल आपके सारे, ये आपको बीच का एनालॉग मिलता है, इधर का डिजिटल और इधर का भी डिजिटल, ये रे कंट्रोल्स देख लो, ये आपको यहाँ पे पूरा दिखाते हैं, तो स्पीड वगैरह का एवरेज, टायर प्रेशर मॉनिटर जो फॉर्च्यूनर में नहीं आता है भाई, टायर प्रेशर फॉर्च्यूनर में नहीं आता, नहीं आता भाई, एक्सेसरीज में बोलो कितना का लगता है आपको, 10,000 rupees का लगता है वो। अच्छा एक्सेसरीज में लगता है वो, एक्सेसरीज का पार्ट है, और यहाँ पे आपके मिल जाते हैं एंटरटेनमेंट के वो कंट्रोल्स, ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं, मतलब इतना बटन है कि भाई नया आदमी भाई वाली बात है, जाएगा तो वो देखेगा पहले तो एक बार गाड़ी रोक के कहाँ से कंट्रोल है, वैसे तो भाई इतना डिस्टेंस है नहीं वॉल्यूम के, यहाँ से मतलब ये बढ़िया होता है, जो इसमें से करो ना वो ठीक अच्छा नहीं लगता मेरे को, ये वाला भाई। जैसे फॉर्च्यूनर में भी अब रिंग डाल दी, टिक टिक टिक, हाँ पहले था ना वो भाई, पहले बहुत देर लग जाती थी उसमें, हाँ। उसका ये भी इतना खास नहीं था, ठीक था मतलब, हाँ है पर इसमें ये करा, हाँ ये ठीक है, सबसे बढ़िया ये अपनी घुमाओ और वो करो, तो चलो भाई अब एक बार इसके 10 gears तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ भाई पर 80 की स्पीड पे ना 10वें गियर पे चढ़, तो भाई मेरे को 10 gears है तो ये हाईवे पे तो मतलब बढ़िया एवरेज दे देगी भाई, दे देनी चाहिए, अभी भाई ने कोई ट्रिप नहीं मारी अभी रिसेंटली है, गाड़ी लेके आया था ना जब मरी गाड़ी, भाई ये किस चीज की लाइट आ रही है, एड ब्लू की आ रही है, ले लो एड ब्लू की लाइट, आज ही आई है, सर्विस मांग रही है मतलब, ये सर्विस तो नहीं मांग रही गाड़ी है, एडब्ल्यू तो भाई बताओ क्या कहते हैं कंपनी वाले, जैसे अब हम यहाँ खड़े हैं बात कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट है, ये इस टाइम पे ज्यादा लेता है एडब्ल्यू, अच्छा आप चल रहे हो ना लंबा कितना ही चलो 10,000 kilometers ना वहां तक गाड़ी चलेगी आपकी, खड़ी गाड़ी में ज्यादा लेता है भाई, तो अभी लेते हैं एक बार ड्राइव, आवाज तो नहीं करती भाई, 3.2 जितनी तो आवाज नहीं है इसकी, 3.2 तो थोड़ी ज्यादा करती है, इंजन ही बड़ा है ना वो, सबसे बड़ा इंजन था वो अभी तक का, 5 cylinder इंजन था वो, और क्या नाम 3200cc था, फॉर्च्यूनर में भी नहीं है इतना बड़ा तो, अरे भाई ये लेकिन मजे तो भाई, बात बताऊं हाँ भाई ये 2 liter वाला है 3.2 को खींच देता है, वो तो भाई रिफाइनमेंट कर रखी ना उन्होंने कैसे भी, रिफाइनमेंट आप एक चीज देखो ना पावर कम इंजन छोटा, अब आप बताओ कैसे खींचता होगा, रिफाइनमेंट विश्वास नहीं हुआ जब खींची थी, हाँ रिफाइनमेंट जो स्पोर्ट्स वाला है इनका वो उससे ज्यादा पावरफुल है, स्पोर्ट्स वाले में पावर नहीं है, सेम है बिल्कुल बिल्कुल सेम है, इंटीरियर भी चेंज नहीं है, बाहर ब्लैक है बस पूरी, स्पोर्ट्स वाले है ना वो बाहर बाहर से थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया स्पोर्ट्स वाले का, ये अब देखो भाई पंजा रखती गाड़ी अभी पूरा नहीं रखा है मैंने, ये डी पे चल रही है, और स्पोर्ट्स में तो मोड चेंज हो जाएगा भाई, तो ये भाई मैनुअल में करनी पड़ेगी अभी लगी स्पोर्ट्स में, वैसे भी जैसे आप एक बार पीछे कर देते हो स्पोर्ट्स में क्या होता है हर गाड़ी में आपका आरपीएम हाई जाने लग जाएगा, और इसमें इसमें नॉर्मल चलेगा आपका, अच्छा अब गाड़ी में पावर आ जाएगी अलग से आ जाते हो, ये तो गाड़ी में जितने ये बताते हैं ना भाई 400-500 Nm का टॉर्क है, इतनी BHP है, हर ये BHP बताऊं कब लगती है 4x4 गाड़ियों में, जब आपका लो रेंज लगती है ना उस टाइम में सारी पावर आ जाती है गाड़ी में, और गाड़ी अपनी ऐसे हो जाती है छोड़ दो ऐसे भगती है 10-20 की स्पीड तक जाएगी, पर चढ़ कहीं पे भी जाएगी जितनी उस गाड़ी में जाना है भाई, ये तो है भाई, भाई ने अभी ऑफ रोडिंग तो नहीं करी जैसे भाई के दिल के करीब है गाड़ी, कैसी लग रही है
देख लो भाई ने फॉर्च्यूनर पूरी रोस्ट मार दी आज, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है ना भाई, अब नहीं पसंद है। पहली भाई ने पर्सनल रख ली, वो रख लिया, लेकिन अब भाई को एंडेवर ज्यादा पसंद आ रही है। किस चीज की कमी है इस गाड़ी में, उसमें एक सनरूफ की कमी में रोता। हाँ यार सनरूफ होनी चाहिए थी, पर इसमें नहीं रहूंगा, चाहे बेशक मैं यूज ना करूं, पर पीछे बंदा बैठा ना उसको व्यू पूरा आता है यहाँ पे, रात को फील है, बारिश में फील है, आप पहाड़ पे हो, पहाड़ों में बारिश में, मतलब ये है बाहर निकलना तो खैर अब इलीगल है इंडिया में। ये लो गाइस अब इसका ऑटो पार्किंग वाला फीचर चेक करो, रिवर्स, ये लो भाई अब रिवर्स गियर में लगानी है हमें, ब्रेक का ध्यान रखना है बस हमें। अच्छा ये खुद हैंडल वैंडल खुद करेंगे, ये लो भाई हैंडल वैंडल का खुद सिस्टम है इसमें लिखा है ना, जैसे ड्राइव बैकवर्ड प्रिपेयर टू स्टॉप। अब क्या करूं भाई, ना अपने आप चलेगी जब तक ये ना करे ना, चलो रोकूं, ना 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 चलो, बहुत जगह है बस फॉरवर्ड। ये तो सारी चीज स्क्रीन बता रही है बस, प्रॉपर लगा देंगे परफेक्ट बिल्कुल है बस, मतलब सारी चीज आपकी स्क्रीन में आ रही है, फॉरवर्ड प्रिपेयर स्टॉप वगैरह सब कुछ। अभी चलो 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 बस, ये लला लग गई फिनिश आ गया। तो भाई ये लगाती गाड़ी अपनी प्रॉपर पार्किंग में, डिक्लेयर्ड है टोटल लॉस भाई इंश्योरेंस। ये देख लो भाई ने दिखा दिया पूरा, ये कंपनी ने दिखाया था, ये भाई मैंने गाड़ी की उसके चेचे से नंबर ये है, वार्निंग अलर्ट आ गया पूरा। ये देखो आप एक चीज देखो, लास्ट ओडोमीटर 48851, ये कंपनी ने दिखाया है भाई, ओडोमीटर 1,00,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ ये पढ़ो, वारंटी अलर्ट में देखो भाई, ये वारंटी अलर्ट व्हीकल वर डिक्लेयर्ड एज टोटल लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उन्होंने कह दिया गाड़ी मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा जी, हां इस गाड़ी का एंडेवर थी, एंडेवर थी, ये लो भाई ब्लैक वाली, ढूंढता हूं भाई के लिए, स्कैम तगड़ा हुआ भाई के साथ जो भी हुआ वो, मतलब भाई बच के रहना सेकंड हैंड मार्केट से गाड़ी ले भाई, मैं बता रहा हूं वो तो चल हम तो वैसे भी कोई और भी होता तो भी ले लेते, पर भाई बंदे देते नहीं है पैसे वापिस। हाँ नहीं देते भाई, तू लेके क्यों गया पहले अपने, भाई ऐसे करो गाड़ी लो भाई, मैं इतने दिन दो दिन चेक करूंगा, आपसे पेमेंट रोक लिया फिर मैं इतने दिन बस संतुष्टि करके गाड़ी लेके जाऊंगा। गाड़ी जिस दिन मेरे को पता चला ना इसमें ये दिक्कत है भाई, बताऊं क्या होने लग गया उसमें, यहाँ पे मीटर में एक तो टीपीएमएस की लाइट आ रही थी। अच्छा चल कोई नहीं, टीपीएमएस की आ रही थी, टीपीएमएस एक बार बता दो पब्लिक को क्या होता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। अच्छा। जो अपनी हवा बताता है टायरों में, ये तो वो एरर आ रहा था, ठीक है भाई। एक आ गया उसमें फिर बैटरी का एरर कि बैटरी डाउन। अच्छा, टाइम के साथ एरर आना स्टार्ट हो गए। जिस दिन एक भाई ने फोन करके बताया ना भाई इस गाड़ी का ओनर ऐसे ऐसे मेरे सामने बैठे, वो बता रहे ये दिक्कत है, मगर अच्छा भाई एरर बैटरी का आ गया, फिर क्या हो गया, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं पावर स्टीयरिंग चलना बंद बीच में। अच्छा जी, बीच में चलना बंद भाई, इंटरनल प्रॉब्लम थी फिर। एसी चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ठंडा है, गाड़ी खड़ी है बंद, गर्म एसी भाई, ये तो खराब काम हो रहा था। सही टाइम में बेच दी, सही टाइम में दे दी भाई आपने वो। देखो गाड़ी है भी, मैंने इसके नंबर प्लेट तो हाइड कर रखी, जब ये थी गाड़ी भाई, अच्छा ये गाड़ी थी इसके साथ, ये वाली थी, स्कैम करा था इनने। हाँ ये भाई हमारी वो थी पुरानी वाली, ये तो भाई की पुरानी थी, देखो बिल्कुल मॉडल। तो चलो भाई गाइस, भाई से पूरी डिटेल ली हमने, वीडियो काफी बड़ी हुई लेकिन पूरी देखी होगी तो आप लोग भाई थैंक यू, एंड भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। भाई का आप थैंक यू कर सकते हो, भाई ने पूरी डिटेल दे दी सेकंड हैंड मार्केट में जो स्कैम हुआ, कैसे गाड़ी लो देख के लो, और जल्दी से डीलर पर ट्रस्ट मत करना, अपनी पूरी संतुष्टि के बाद ही गाड़ी लो भाई। अपने जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हो ना, सबसे पहले तो बात हो जाए तो उनसे ले आरसी की फोटो। हाँ ठीक है, आरसी की फोटो ले और आप गाड़ी पसंद आ रही है देख ली, हाँ भाई ठीक है, उस आरसी की फोटो को फोर्ड में चेक करवाओ, गाड़ी में कहीं लग रही है स्क्रैच प्रैच पेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजर नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो पेंट पुंट तो लगे माड़ी हम भी करवा लेते भाई, कोई दिक्कत आई भाई खराब दिख रही है गाड़ी यार पेंट करवा दो, होता है भाई स्क्रैच। हाँ भाई बिल्कुल होता है। हाँ तो यही वाली बात है, आप अपने या तो एक कोई भी आपका जानकार हो ना डीलर, मेरा तो भाई मेरा भाई था उनने, वो भाई मेरे साथ ही गया भाई, सब सारी काम उसने करवाया था उस भाई ने। और आपको एक बात बता दूं भाई, गाड़ी देख रहे हो ना कोई, जैसे यहाँ पेंट हो रखा है उसके सारे पार्ट पे देखना, पेंट पे ना फिंगर ऐसे जाती है ऐसे, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी लग रही है ना हाँ रुक रही है, हाँ। वो रिपेंट पार्ट है। अच्छा जी, हाँ ये लो भाई ने बता दिया पेंट का भी कैसे देखना है, पेंट का भी बता दिया भाई ने। तो चलो भाई आज की वीडियो थी यहीं तक,
अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो भी इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को लेना सब्सक्राइब। बाय।